जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम आपको कहाँ के दर्शन करा रहे हैं? यहाँ के दर्शन आज आपको हम करा रहे हैं जहाँ से गोमती नदी निकली हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पर है? तो ये पीलीभीत में ही है। और आप समझ सकते हैं ये वीडियो हमारा काफ़ी समय से था, लेकिन हम कुछ नहीं डाल पाए थे, आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाए थे, एडिटिंग नहीं कर पाए थे। तो चलिए आज हम यहाँ के पूरे आपको दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर भोले बाबा और माता जी और बहुत से प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो वो तो भैया है, भैया के साथ में ही है, राम जी भैया के साथ में। तो वही सब अपना यहाँ का हमको करवा रहे हैं दर्शन की क्या कैसे। तो हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं, पीलीभीत तो काफ़ी समय से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी दर्शन करिए, और जहाँ जहाँ हम कर रहे हैं दर्शन वहाँ वहाँ आप लोगों को भी दर्शन करवा रहे हैं। और यही गोमती नदी लखनऊ आई हुई है, यहीं से ही गोमती नदी लखनऊ के लिए आई हुई है। तो हमको खुद भी नहीं पता था, हम तो हमेशा सोचते थे कि लखनऊ में ही है गोमती नदी, लेकिन पहली बार ये पता चला कि गोमती नदी की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो यहाँ सभी भक्त काफ़ी लोग आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा है यहाँ का, मतलब जो भी हमने सब देखा, और आपको भी आगे सब पूरा दिखाना चाहते हैं। तो चलिए आप लोग भी आगे देखिए। अब आप देख सकते हैं हम गोमती नदी के पास बिल्कुल आ गए हैं, और थोड़ा जल छिड़क लेते हैं, शुद्धिकरण कर लेते हैं, और वैसे भी गोमती नदी को प्रणाम भी कर लेते हैं। तो चलिए आगे बता रहे हैं आप लोगों से। हमने आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा दिया, और गोमती नदी वही गोमती नदी है जो अपने लखनऊ में गई हुई है, वही ये गोमती नदी है। तो गोमती नदी को प्रणाम करके अब चलिए हम चलते हैं, भोले बाबा के दर्शन आपको कराते हैं। तो ये मेन स्थल है, आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे गुम्मक रखा हुआ भोले बाबा का, और यहाँ मेन प्रसाद में सिर्फ बतासे चढ़ते हैं। देखिए, तो चलिए आगे, जहाँ जहाँ भी दर्शन हम लोग कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए दर्शन में। तो पूरे छोटे छोटे मंदिर हैं हर जगह, तो जहाँ जहाँ मेन मंदिर है भोले बाबा का, बजरंग बली का, तो वहाँ पर हम आपको दर्शन पूरा कराते हैं। और मतलब आज का हमारा घूमना तो बहुत ही अच्छा, सुबह से निकले और पूरा हर जगह का हो गया। तो आप लोग ये ना कहिएगा कि हम इतने सारे ब्लॉग बनाते चले गए, तो क्या करें, अच्छी अच्छी जगह का। तो आप लोगों को भी दर्शन कराना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि हर जगह हम आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। तो आगे आप लोगों से मिलते हैं। अब मैंने आपको दर्शन कराया मेन गोमती नदी, जहाँ से गोमती नदी निकली हुई है वही ये स्थान है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ साथ आप लोग भी दर्शन करिए गोमती नदी जहाँ से निकली हुई है, आप देख सकते हैं ये स्थान है। तो मैंने दिखा ही दिया, और सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं पूजा पाठ में। और यहाँ का सिर्फ प्रसाद यही है, देख सकते हैं बतासा और रेवड़ी यही चढ़ाया जाता है। तो चलिए आगे भी दर्शन कराते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, वो तो मैंने आप लोगों से बता ही दिया। और टाइम कितना हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं, और नाश्ता पानी तो हो गया लेकिन अभी तक खाना नहीं हुआ है। तो चलिए कहीं ना कहीं बैठ करके खाना भी खाया जाएगा, हम पैक करके लाए हुए हैं, और भोले बाबा के पास ही वो बैठ करके आप लोगों से बता भी रहे हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं अब, और काफ़ी लोग हैं, भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पर। तो चलिए दर्शन कराते हैं आप लोगों को। अब आपको हम यहाँ मेन दर्शन करा रहे हैं जहाँ पर गोमती नदी की प्रतिमा को सजाया गया है, तो आप देख सकते हैं। और जहाँ हमने दर्शन आपको करा दिया वहीं से ही आकर के यहाँ पर गोमती नदी आई हुई है, और आप देख सकते हैं कितनी लंबाई है माँ
आदिशक्ति गोमती नदी की, और कितनी सुंदर माता की प्रतिमा को सजाया गया है। ऐसा लग रहा है कि माता रानी बस बोलने ही वाली हैं। माँ के चरणों पर ध्यान दीजिए, वाकई ही ये दृश्य तो लगता था कि देखते ही रहें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गड्ढा है, ये गड्ढे से ही गोमती नदी के आगे, मतलब जो भी ये जल जा रहा है, गोमती नदी जहाँ पर निकली हुई है यहीं से ही जल जा रहा है। सो आप देख सकते हैं, और आप लोग भी दर्शन करिए माता गोमती नदी के, और आगे भी हम आपको पूरा यहाँ का दर्शन करा रहे हैं। तो काफ़ी समय पहले ही ये वीडियो हमको डाल देना चाहिए था, लेकिन एकदम से दिमाग से हट गया था कि ये वीडियो हमारे पास इतना सुंदर सा पड़ा हुआ है। तो चलिए, पंडित जी भी हमारे टीका लगाने लगे, और पंडित जी टीका लगाने के बाद वाकई ही यहाँ का दर्शन यहाँ के करके तो हम धन हो गए। तो कुछ समय से काफ़ी हम परेशान चल रहे हैं, वो तो आप लोगों को पता ही है, तो हम वीडियो भी नहीं सही से बना पा रहे हैं। और आज हमने सोचा एक दो वीडियो हमारी यहाँ की पड़ी हुई हैं, तो हमने सोचा यही सब आपको दर्शन यहाँ के ही करा देते हैं। तो चलिए, सभी भक्त लगे हुए हैं दर्शन में, तो आप भी दर्शन बिल्कुल नज़दीक से करिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही गोमती नदी, ये देखिए वहीं से शुरुआत हुई जहाँ भी हमने आपको दर्शन कराया। अब ये वही जल पूरा गोमती नदी के लिए निकल रहा है, तो आगे है गोमती नदी। तो चलिए, हर जगह के दर्शन आप करिए। अब आप देख सकते हैं, हम गोमती नदी के इस पार आ गए हैं। अब गोमती नदी में शुरुआत कर रहे हैं कि नाव में सबको बैठना है, तो ये सामने है होटल, और होटल में यहाँ को चाय नाश्ता सब लोग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और चलिए आगे तैयारी करते हैं नाव में बैठने की। अब चलिए बैठते हैं नाव में। तो आप देख सकते हैं सभी लोग लगे हुए हैं अपना अपना ड्रेस पहनने में, और भाभी आप लोगों से हाय बोल रही हैं। तो चलिए, आप लोगों को भी बुलाया जा रहा है कि सभी लोग आइए और नाव में बैठते हैं। आप भी आइए हम लोगों के साथ, नाव का मजा लीजिए गोमती नदी में भाभी और रिद्धि सिद्धि के साथ। आप देख सकते हैं मेरे को डर, तो चलिए वैसे तो हमको डर लग रहा है, डर मुझे भी लग रहा है। एक बार रुचि के साथ मैं घूमी थी चित्रकूट में, नाव में बैठी थी, और दूसरी बार हम यहाँ बैठ रहे हैं गोमती नदी में। तो ये भाई का उस बार तो रुचि के बर्थडे में हम लोग इस तरह घूमे, और इस बार चलिए भाई हमको इस तरह घुमा रहे हैं। भाई कह रहा नहीं बैठिए नाव में, वैसे हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन भाई हमको बैठा रहे तो हम घूम रहे हैं। तो चलिए आगे आपको सब दिखाती हूँ, मंदिर का पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, और सब लोग बैठे हुए देख सकते हैं। ये लोग नहीं बैठे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है, तो सभी लोग बैठे हम लोगों को देख रहे हैं कि हम लोग कैसे नाव में तैर रहे हैं, और हमारे पति देव कैसे बोल रहे हैं
कह रहे जाओ गोमती नदी में बहो। वो तो ऐसे ही हमारे लिए बोलते रहते हैं, हंसी मजाक हम लोगों का ऐसे चलता रहता है, नोक झोंक दोनों की है। तो भाभी भी बहुत खुश है, क्यों भाभी? बहुत खुश है। और भाभी तो घूमने में नंबर वन है, आप देख सकते हैं। ए इसको पकड़ो। ए भैया राम राम। तो चलिए मनु से मिलाते हैं आपको। वाह मनु कृष्णा तो मुस्कुरा रहे हैं, क्यों तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है? बहुत बहुत लग रहा है। और वो जहाँ जहाँ के हम भगवान के अभी दर्शन कराए हैं गोमती नदी माता के, तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से सीन दिख रहा है। वाह क्या सीन है, बहुत ही अच्छा नजारा है। पागल लिखे तू। अब बस ले लिए ना आप मजा और बस उतरने वाले हम लोग। बहुत मस्ती की है, पूरा 20 मिनट नाव में घूमे। क्यों था मजा आ गई? बहुत मजा आया। और आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए और इसी तरह हमको प्यार देते रहिए। हम आपको अच्छी अच्छी जगह के दर्शन कराते रहे और देखिए पूरा गोमती नदी का नजारा आप लोगों को दिखाए और नाव में हम लोग कैसे घूम रहे हैं वो भी हमने आपको दिखा दी। और देखिए गोमती नदी, जय हो गोमती मैया की जय, गोमती माता की जय। और ये लोग भी कितनी मस्ती कर रहे हैं। मनु देखो लीजिए इसकी, ये भी जैकेट बैठी है। मनु ले ले कृष्णा, उसके जैकेट नीचे करिए। बच्चे ना बच्चे भी बहुत खुश है और मुस्कुरा रहे हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। और ये लोग सब बैठे हुए हैं, हम लोगों का इंतजार कर रहे। दिखाती हूँ आ गए बुआ ले रही है। हेलो हेलो चलिए आ गए। हमारी खाना खाने की यहाँ तैयारी हो रही है। तो जब बच्चे कैसे खाना की टेबल में ही खेलने भी लगे, क्योंकि रिद्धि सिद्धि काफ़ी परेशान हो गई थी, तो चलिए बैठ के खाना खाते हैं। और यहीं पर हम वीडियो का एंड भी कर रहे हैं। और आप लोग भी आइए हमारे साथ खाना खाइए, पार्टी मनाते हैं। और खाना वाकई हम घर से ही बना करके लाए थे, बाहर का खाना खाना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और दोनों बच्चे कितना परेशान हो गए थे आप देख सकते हैं, और कैसे लगे हुए हैं। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।